फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई के बारे में। तो एआई क्या है, इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एआई की डेफिनेशन, उसकी अर्ली हिस्ट्री, करेंट स्टेटस, चैलेंजेस, फ्यूचर, प्रो कॉन्स और कंक्लूजन के बारे में। तो एआई क्या है, स्टडी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट अटेम्प्ट टू मॉडल एंड अप्लाई द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम्स की एक अटेम्प्टेड स्टडी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो एक मॉडल बना रही है उस पर ह्यूमन इंटेलिजेंस को अप्लाई कर रही है। ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर इन कंप्यूटर्स पे बेस्ड है। इसमें कैपेबिलिटी है इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करने की। तो एआई यही है। तो आजकल हम लोग एआई को यूज करते हैं गूगल, सिरी और कोर्टाना के थ्रू अपने फोन्स और डिवाइसेस में, जैसे गूगल हो गया हमारे एंड्रॉयड पे, सिरी आईफोन पे और कोर्टाना हमारा हो गया हमारे माइक्रोसॉफ्ट पे। ये तीनों एआई को यूज़ करते हैं हमारे वॉइसेस के लिए। अर्ली हिस्ट्री, एआई को बनाया था 1950 में इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक लैंडमार्क पेपर पे, कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें आस्क किया गया था क्वेश्चन, क्या मशीन सोच सकती हैं। फिर पता चला 1956 की वर्कशॉप में जो जॉन मैकार्थी ने किया था उसका, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्रेज कॉइन हुआ था। फिर राइज ऑफ एआई, करंट स्टेटस जो है एआई का, उसमें एआई ने मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम करेक्टर्स, जीपीएस, वॉइस रिकॉग्निशन, रोबोटिक्स और बाकी बहुत चीज़ों में यूज़ किया है। गूगल ने भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल लिया है एआई ट्रांजेंडेंस और डीप लर्निंग में। डीप लर्निंग जो है मशीन बेस्ड लर्निंग है, एल्गोरिथम्स पे बेस्ड। चैलेंजेस, कंप्यूटिंग पावर है, टॉलरेंस पावर है, इंट्यूटिव थिंकिंग और जजिंग पावर है। फ्यूचर ऑफ एआई, बियॉन्ड नेगोशिएशंस मूव कहते हैं सीमियो की, कई सारे एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंप्रूव मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट, ओपन अप डोर्स टू फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस एक्सेट्रा। प्रोज और कॉन्स, प्रोज प्रेसिजन और एक्यूरेसी अनमैच्ड है, इससे अच्छी ह्यूमन कर ही नहीं सकता। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस में जहाँ ह्यूमन नहीं जा सकते वहाँ एआई जा सकते हैं, हमारे रोबोट्स। माइनिंग प्रोसेस में भी यूज हो सकते हैं जहाँ ह्यूमन नहीं जा सकते। लैबोरेटरी टास्क भी कर सकते हैं जो ह्यूमन करते करते थक जाएंगे। फ्रॉड डिटेक्शन आराम से हो सकता है और मैनेजिंग भी बहुत अच्छी, और ये इमोशनल भी नहीं होते तो ये किसी की साइड भी नहीं लेंगे। ये रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी कर सकते हैं। रोबोटिक रेडियो सर्जरी और पेट्स का काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं बिना रुके हुए। रिस्क जो है कम होता जाता है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इनका ज्यादा अच्छा है। कॉस्ट, कॉन्स इसके हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है इसका मेंटेनेंस और रिपेयर में। आपने एक लाख का एक रोबोट खरीदा और फिर आपको उसके मेंटेनेंस में 50,000 60,000 लगता रहेगा बीच बीच में अगर वो खराब हो गया तो। और ये अपने एल्गोरिथम से अलग डिफरेंट नहीं कर सकते, इनके पास ह्यूमन टच नहीं है, ये ह्यूमंस की तरह नहीं है, इनका क्रिएटिव माइंड नहीं है, क्रिएटिव माइंड नहीं है इनके पास, इनके पास कॉमन सेंस नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है इससे, एबिलिटीज जो है ह्यूमंस की वो कम भी हो सकती हैं। रोबोट्स जो ह्यूमंस से ज़्यादा तेज भी हो सकता है, और ह्यूमंस हो सकता है मशीन्स पर डिपेंडेंट हो जाए, अगर ये गलत हाथ में चले गए तो तबाही हो सकती है। कंक्लूजन, हम ये कह सकते हैं कि एआई जो है वो इंटेलिजेंस है मशीन्स की और ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो उसे क्रिएट करने के पे एम करती है। एआई टेक्स्ट बुक डिफाइन करती है फील्ड को, स्टडी एंड डिजाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, जहाँ पर इंटेलिजेंट एजेंट एक सिस्टम है जो एनवायरनमेंट को परसीव करता है और एक्शन लेता है जो मैक्सिमाइज करे उसके चांसेस के सक्सेस को। जॉन मैकार्थी ने 1955 में इसे डिफाइन किया था, इस टर्म को, साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, सी यू लेटर।